नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 18 दिसंबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव की तैयारी हुई तेज। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर नवगछिया में निकाला गया फ्लैग मार्च। कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन की ओर से तरंग उत्सव प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। डीएम ने किया शुभारंभ, बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। अपराधियों के जमावाड़े की सूचना पर एसटीएफ ने की छापेमारी। हथियार गोली के साथ चार अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में 17 दिसंबर से शुरू होगी 3 दिवसीय रंग महोत्सव। भारतीय संस्कृति की दिखेगी झलक। और पटेल स्मारक समिति की ओर से मनाया गया लौह पुरुष सरदार पटेल की पुण्यतिथि। अब खबरें विस्तार से। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान को लेकर भागलपुर के नवगछिया नगर परिषद में तैयारी तेज कर दी गई है। 18 दिसंबर को नवगछिया नगर परिषद समेत जिले के कई नगर पंचायत में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वहीं नवगछिया में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो नवगछिया थाना से होकर महाराज जी चौक, मक्का तकिया स्टेशन रोड समेत नगर परिषद क्षेत्र से गुजरते हुए थाना पहुंचा। इसको लेकर SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और असामाजिक तत्व की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना पुलिस को देने के लिए लोगों से अपील की गई है। SDPO ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न बूथों और बाजार में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जबकि चुनाव आयोग के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवगछिया SP के निर्देश पर नवगछिया नगर परिषद के 28 वार्ड के लिए 4 बिल्डिंग पर 1 सेक्टर बनाया जाएगा और मतदान कर्मियों के साथ मतदाताओं को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही कहा कि चुनाव के लिए अगर जरूरत पड़ी तो भागलपुर समेत अन्य जिलों से भी अतिरिक्त बल को बुलाया जाएगा। 18 तारीख को हमारे यहाँ नगर परिषद का इलेक्शन है, तो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाएंगे। कोई भी जो उपद्रवी तत्व होंगे या असामाजिक तत्व जो डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हम लोग बहुत कड़ाई से जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करवाएंगे। और आम पब्लिक जो शहरी हैं, जो मतदान करना चाहते हैं, वो फ्री होकर मतदान करें। उनको मतदान करवाने के लिए हम लोग हर तरह का जो है अरेंजमेंट किए हुए हैं। पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र में और जहाँ नगर परिषद का क्षेत्र है, हर जगह जा करके हम लोग संदेश देने का काम करेंगे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना और भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय तरंग मेघा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से खुले आसमान में गुब्बारा उड़ा कर किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है। इस दौरान तरंग मेघा स्पोर्ट्स उत्सव में जिले के 16 प्रखंडों के लगभग 2100 बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो एवं फुटबॉल की प्रतियोगिता कराई गई। वहीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता खेलने का अवसर मिलेगा। इधर प्रतियोगिता को लेकर कबड्डी, खो खो और फुटबॉल के लिए 2-2 कोर्ट तैयार किया गया था, जबकि एथलेटिक्स के लिए 400 मीटर का ट्रैक मैदान में तैयार किया गया था। इससे पूर्व उद्घाटन सत्र में स्काउट गाइड समेत सभी टीमों ने मार्च पास्ट किया, जिसमें माउंट कार्मेल स्कूल के बच्चों का बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं किलकारी के बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। मौके पर सदर SDO धनंजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, जिला खेल पदाधिकारी समेत काफी संख्या में अलग अलग स्कूल के शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज से शुरू हुआ है और आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल जो है बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव माहौल है और ये आगे चलेगा। सारे जो कार्यक्रम हैं, जितनी विधाओं में कंपटीशन होना है वो कंपटीशन आयोजित होगा और इसमें जो बच्चे, लड़के, लड़कियां सेलेक्ट होंगे वो फिर प्रमंडल स्तर पर और उसके आगे फिर राज्य स्तर पर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी शुभकामना है और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करेंगे।
एसटीएफ टीम जमालपुर मुंगेर द्वारा मिली सूचना के आधार पर शाहकुंड थाना एवं एसटीएफ जमालपुर मुंगेर की टीम ने किशनपुर घुसकी टोला निवासी सुशील प्रसाद सिंह के घर पहुंची, जहां से छापेमारी टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्र के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसको लेकर भागलपुर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वरफ कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि शाहकुंड थाना क्षेत्र के किशनपुर घुसकी टोला निवासी सुशील प्रसाद सिंह के घर पर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से हथियार से लैस अपराधियों का जमावाड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सभी अपराधियों को हथियार के साथ दबोच लिया। डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि घुसकी टोला निवासी के घर छापेमारी करने पहुंची एसटीएफ और पुलिस टीम ने वहां से रोहित कुमार, पवन कुमार, विशाल कुमार और छोटू कुमार दास को अवैध अग्नियास्त्र एवं गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से 2 राइफल, जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किया है। जबकि इस छापेमारी अभियान में जमालपुर मुंगेर एसटीएफ टीम और शाहकुंड थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, एसआई श्याम सुंदर सिंह समेत थाना के रिजर्व गार्ड और पुलिस कर्मी शामिल रहे। इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकता है, हो सकता है कि ये जो है खरीद बिक्री का भी एक मॉड्यूल हो सकता है, एक पूरा नेक्सस हो सकता है यहाँ पे, जो कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नेक्सस है उससे ये लोग सांठगांठ इनका हो सकता है, और तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ जैसे कि कोई अपराध करना चाहते हैं उससे भी एक पॉसिबिलिटी है, तो उसमें हम लोग एविडेंसेस जुटा रहे हैं और हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और सभी जो सूत्र मिला है उसके ऊपर भी हमें अभी काम करना पड़ेगा कोई निष्कर्ष पे पहुंच। भागलपुर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस महोत्सव का आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक कला केंद्र में किया जाएगा। रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर की ओर से आयोजित होने वाले रंग महोत्सव में देश के कई राज्यों के कलाकार शामिल होंगे, जिसके लिए आयोजन समिति की ओर से तैयारी की जा रही है। इस दौरान भागलपुर कला केंद्र के मंच पर बिहार समेत मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड के अलावे कई राज्य के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें देश की सांस्कृतिक झलक दिखाई देगी। वहीं इसको लेकर गुरुवार को भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 17 दिसंबर को महोत्सव का उद्घाटन होगा, जबकि इसके बाद लोक नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुति के अलावा 18 दिसंबर को नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही बताया कि लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य नाट्य प्रस्तुति के अलावा 19 दिसंबर को रंग जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरता दिखेगा। इसके अलावा नाट्य प्रस्तुति के बाद राष्ट्रीय सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ रंग महोत्सव सम्पन्न हो जाएगा। उद्देश्य है कि रंग महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, इसमें जो पूरे देश भर की संस्कृति जो प्रदर्शित हो रही है, उस संस्कृति को लोग देखें और देखकर सीखे कि भाई हमारी संस्कृति क्या है, और साथ ही आज वैश्वीकरण का जो दौर चल रहा है, लगातार नीति नैतिकता खास करके युवाओं में जो मानवीय मूल्यबोध में जो गिरावट आ रही है और जो आदमी के अंदर जो भाव का जो तरंग है वो सिमटता जा रहा है, और रंग कर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो रस संचरण के माध्यम से आदमी की मनोस्थिति को बदल सकता है। भागलपुर पटेल स्मारक समिति की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को पटेल चौक स्थित सरदार पटेल स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अंग क्षेत्र के नागरिकों को सम्मानित किया गया, जबकि शहर के कई क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए मनोज कुमार और कमल जायसवाल को प्रतीक चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर विशिष्ट सम्मान दिया गया। वहीं रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति नंद कुमार यादव इंदु, TMU के पूर्व कुलपति डॉ. छर्मेंद्र कुमार सिंह, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. डीपी सिंह और डॉ. मनी भूषण ने भी सरदार पटेल को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर डॉक्टर अर्जुन कुमार सिंह, पूर्व न्यायाधीश विजय कुमार मंडल, प्रकाश चंद्र गुप्ता और डॉक्टर विनोद कुमार समेत काफी संख्या में शहर के बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के शहादत दिवस आज हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल चौक पर भागलपुर में एकत्रित हुए हैं। मैं तमाम दर्शकों का, मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने सशक्त रूप से इस कार्यक्रम को संचारित किया, आप लोगों तक पहुंचाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत, और इस कार्यक्रम को हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं।
अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बात फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में शुरू हुए तरंग प्रतियोगिता स्थल के बाहर गुरुवार को शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर कार्यरत शिक्षकों ने धरना दिया। इस दौरान धरना दे रहे शिक्षकों ने कहा कि पिछले 7 माह से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए उन लोगों ने भागलपुर से लेकर पटना तक के कई अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिक्षकों ने कहा कि इन लोगों ने राज्य स्तर पर परीक्षा पास कर नौकरी पाई है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के द्वारा इन्हें अंशकालिक कर दिया गया है, जिसके तहत इन लोगों को केवल 8,000 रुपया ही वेतन स्वरूप दिया जाता है। वहीं पूर्णकालिक नियुक्ति करने की मांग करते हुए इन लोगों ने वेतन बढ़ोतरी और अविलंब बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर इन लोगों की मांग नहीं मानी गई तो ये सभी बिहार में शराब बेचने का काम करेंगे या फिर आत्महत्या भी कर सकते हैं। सर, हम लोगों का मांग है कि हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और आज विगत 6-7 महीनों से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है और सभी इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी ग्रेजुएट हैं और बीपीएड किए हुए हैं। शारीरिक शिक्षा जो परीक्षा होती है स्टेट की, वो स्टेट क्वालिफाई हैं। उसके बाद भी सरकार ने जो हमारा वेतन निर्धारित किया है, बहुत ही शर्म की बात है कि केवल 8,000 निर्धारण हम लोगों का किया गया है, उसमें भी अंशकालिक हम लोगों को रख दिया गया है, जो कि सेम यही डिग्री लेकर के आज पुराने जो शिक्षक हैं उन्हें 40,000 वेतन मिल रहा है और आज हम वही डिग्री लेकर के आए हैं और हमें मात्र 8,000 वेतन दिया जा रहा है, उसमें भी 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि घर से 100-200 किलोमीटर दूर स्कूल में जा कर के अपना काम कर रहे हैं, उनको पेट्रोल का खर्च नहीं हो पा रहा है, घर वो कैसे चलाएँगे। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि 2012 में जो शिक्षक को आपने भर्ती किया उन्हें आप 40,000 दे रहे हैं और आज 2019 में जो हम लोगों की बहाली हुई 22 में ज्वाइन किए हैं, आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, महंगाई और घटते जा रही है। भागलपुर पिरपैती थाना क्षेत्र के सिंघिया पुल के समीप बीते 3 दिसंबर की शाम एक महिला नीलम देवी की हत्या चाकू मारकर कर देने के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शकीर और मोहम्मद जुद्दीन को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार से मिलने और संतावना देने के लिए नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां
जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना से जुड़ी जानकारी ली और अपनी ओर से आर्थिक मदद भी पीड़ित परिवार को दी। इसके अलावा पप्पू यादव ने मृतिका नीलम देवी की बेटी के शादी के समय भी 1,00,000 रुपये की मदद देने की बात कही। वहीं पप्पू यादव ने घटना को लेकर स्पीडी ट्रायल के तहत दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सरकार और कोर्ट में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अपराधियों को पुलिसकर्मी अगर एनकाउंटर करके मारेंगे तो वो उन्हें इसके लिए इनाम देंगे। कोई पैसे के लिए हत्या नहीं है, ये कंप्लीट रूप से जबरदस्ती एक साइको एक गलत आदमी था जिसने मैंने 2 महीने से गलत तरीके से बैठता था, उसका प्रतिकार उसका विरोध किया गया, उसके हस्बैंड ने विरोध किया। नफरत और गुस्से की मौत है भैया, लगातार व्यवस्था। अरे घटना घटती है, घटना घटती है तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, करिएगा मोदी गोदी पानो नीति फीति। सरकार से कोई लाठी ले लिया है ना, कोई कानून बनता है समाज इसके खिलाफ बनना चाहिए। कानून जितना है ना वही कानून पप्पू यादव को दे दो ना, ये कोठोर पुलिस का राइफल में गोली बचेगा तो हम सला 2,00,000 का पैदाइश होंगे। स्पीडी ट्रायल की बात की गई थी लेकिन सर मैं जाऊंगा कोर्ट, सरकार नहीं करी तो हम कोर्ट जाएंगे और क्लियर बात करेंगे, आप बेफिक्र। आज आपने मदद भी कुछ की है सर, मैं इस बच्ची की शादी के लिए 1,00,000 रुपया 1 महीना पहले मेरे नॉलेज में आएगा, मैं दूंगा तत्काल। जो एक छोटा सा दुकान गरीब आदमी है मजदूर है, जिसकी माँ दुकान पे काम करती थी, पिता मजदूरी करता था, तो दुकान को ही एक पूंजी और लगा के अपने 3 बच्चों को वो पढ़ा पाए, इसीलिए मैंने मदद की। जो काम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पाती है तो वहाँ पप्पू यादव को करना पड़ता है। भागलपुर में गुरुवार को एक मैरिज हॉल में मेंटर्स एडुसर्व के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर संस्था के निदेशक आनंद कुमार जायसवाल ने बताया कि मेंटर्स एडुसर्व द्वारा बीते 10 नवंबर और 4 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में बिहार झारखंड से 1,00,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, जिसका परिणाम के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को डायरेक्टर के द्वारा रिजल्ट देकर बधाई दी गई। वहीं डायरेक्टर आनंद जायसवाल ने बताया कि मेंटर्स एडुसर्व एक ऐसी संस्था है जो राज्य में अलग अलग जगहों पर संचालित है और इसी कारण उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्था के पास IIT मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग फैकल्टी है जो बच्चों को सभी विषय की पढ़ाई कराते हैं। इस दौरान कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं वो 6 से 12 तक के बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं और हमारा ओरिएंटेशन मेनली मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए होता है। मेडिकल के लिए नीट के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है और जो आगे की क्लासेस हैं उनके बारे में बताया जाता है और IIT के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। इवन जो क्लास बच्चे 6 में हैं 7 में हैं 8 में हैं 9 में हैं 10 में हैं उन सारे बच्चों को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जनरली जो बिहार में और स्पेशली भागलपुर में ट्रेंड है वो मैंने देखा है कि बच्चे 10वीं पास करने के बाद IIT की तैयारी स्टार्ट करते हैं या 12वीं पास करने के बाद IIT की तैयारी करते हैं, जबकि बाकी जगहों में देखेंगे देश के अलग अलग कोनों में तो बच्चे 6 से ही तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, 7 से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको उस रेस में रहना है ना, तो वैसे केस में आपको वो सारा काम करना होगा जो आपके कॉम्पिटिशन वाले बच्चे कर रहे हैं। तो मैंने बहुत जगह पढ़ाई, जैसे दिल्ली में मैंने देखा है, कोटा में देखा है, हैदराबाद में देखा है, बच्चे अर्ली एज से तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। तो भागलपुर में मेंटर्स की तरफ से ये बच्चों को एक सुविधा मिल रही है कि वो चाहे तो 6 क्लास से ही IIT की तैयारी स्टार्ट करें या मेडिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। भागलपुर समीक्षा भवन में गुरुवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण की ओर से चतुर्थ कृषि रोड मैप की जानकारी देने के लिए किसानों के साथ जिला स्तर पर विचार विमर्श एवं उनके सुझाव के संकलन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की। इस दौरान कृषि रोड मैप के तहत चलाई जा रही योजनाओं का किसानों को मिल रहे लाभ और खेती को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा किसानों को होने वाली परेशानी और उसके समाधान को लेकर भी चर्चा की गई। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत कुमैठा पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया स्वर्गीय अनीता देवी का स्वर्णिम विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें अनीता देवी के चित्र पर परिवार के सदस्य और ग्रामीणों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। बता दें कि अनीता देवी को विगत वर्ष 14 दिसंबर को ही मुखिया पद का सर्टिफिकेट दिया गया था। वहीं अनीता देवी के पुत्री कुमारी पायल शर्मा और पंचायत के लोगों के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि मुखिया का पदभार ग्रहण करने से अभी 3 महीने भी नहीं बीते थे तभी पंचायत
पंचायत के ही असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर स्वर्गीय अनिता देवी की पुत्री कुमारी पायल शर्मा ने अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए विजयोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। पायल शर्मा ने कहा कि उनकी माँ ने पंचायत वासियों से विकास के लिए जो वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा करने का वह पूरा प्रयास करेंगे। बता दें कि कुमैठा पंचायत में आगामी 2 फरवरी को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर पंचायत में गहमागमी का माहौल है। 14 दिसंबर 2021 मेरे लिए मेरे परिवार के लिए अत्यंत सुखद पल था। माँ के कुछ दबंग मानसिकता के लोगों द्वारा छीन ली गई। इस पल को हम आप सभी के साथ, आप सबके सहयोग के साथ जीना चाहते हैं। मेरी माँ के अधूरे सपनों को मैं अपनी माँ के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। आप सबका बस साथ चाहिए। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 18 दिसंबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव की तैयारी हुई तेज। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर नवगछिया में निकाला गया फ्लैग मार्च। कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन की ओर से तरंग उत्सव प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। डीएम ने किया शुभारंभ, बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। अपराधियों के जमावाड़े की सूचना पर एसटीएफ ने की छापेमारी, हथियार गोली के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में 17 दिसंबर से शुरू होगी 3 दिवसीय रंग महोत्सव, भारतीय संस्कृति की दिखेगी झलक। और पटेल स्मारक समिति की ओर से मनाया गया लौह पुरुष सरदार पटेल की पुण्यतिथि। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।